करो अभी, सास ने बाहर क्यों निकाल दी? क्या करेंगे? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रूबी आर्या ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। अभी सुबह का बज रहा है 9 और आप सभी को हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग। आज है सावन का तीसरा सोमवार, जिसके लिए हमारे पति देव जी आज जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि वो हमेशा से जाते हैं और मैं इस बार नहीं जा रही हूँ। ये मुझे लेकर नहीं जा रहे हैं, देखिए। हेलो, हो गया मेरा सब कुछ, ये बैग हम कल धो दिए थे कि इनको जाना था इसीलिए, क्योंकि लगातार ना 3-4 दिन से बारिश भी हो रही थी, आप सब देख भी रहे थे, और आज बहुत ही अच्छा धूप है। दूसरी तरफ देखिए, हमारा चीकू भी सोया था से उठ गया। अब जैसे ही हमारे ये सारा दीवार जो है सूख जाएगा ना, उसके बाद सारा सामान फिर से हम इसे एडजस्ट कर देंगे। आप सब जरूर बताइएगा, आप सब के मन में बहुत तरह का सवाल और क्वेश्चन चल रहा है इस घर को लेकर, तो वो सारा हम आज इसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। शायद हो सकता है आप सब जानना भी चाहते हैं, और आपको हम दिखाएंगे कि आज हमारी साड़ी जो है ना, फिर से एक ब्लाउज खराब हो गया था, वो सील कर आ चुकी है। क्या हुआ? पानी तो आप वहाँ भी ले सकते थे। अरे कभी कभी खराब होता चापा पानी। हाँ, नहीं होता फिर घर में ले चले हम भी ना, मत जो पानी जाओ, क्योंकि उधर हमको कुछ काम से जाना था। अब देखते हैं अगर हो पाएगा तो, क्योंकि हमारे घर का कुछ जरूरी सामान लाना था, बहुत दिन से अटका पड़ा है, आजकल कर रहे हैं। चीकू भी ना आजकल बहुत बदमाश हो गया है, जानता है पापा जाने वाले हैं गाड़ी से ना, तो पहले ही वो भी मत तो जाने के लिए हाथ लगता है फांगने, और वो जो है अभी देखिए क्या कर रहा है, देखे ना अभी जस्ट सुलाए थे, देखिए। अच्छा की तो जब नहा धोआ कर लिए, क्योंकि पूजा तो करना नहीं है, और वैसे भी आज तो है सोमवार है, तो मेरा फास्टिंग ही होता है, तो जी आप जाइए पूजा पाठ कर लीजिए, यही से भगवान जी को हम गोल लग ले रहे हैं दूर से ही। हम बैग लिए बस ये उछलना शुरू कर दिया। दोस्तों आ गया फाइनली मंदिर में, रास्ते से मैं फूल ऐसा ले लिया था और शादी था। प्रणाम कर रहे हैं और सब ठीक? एकदम ऊपर वाले की मर्जी, आप लोग का आशीर्वाद से ठीक है। हम लोग क्या सर है, बोले सब है, आप में भी भगवान है, तमाम है, और नहीं तो भगवान नहीं है। भगवान का कोड वर्ड का जानते हैं ना, पूरा फॉर्म वही है, उसके बाद जानते हैं हमको बताने की जरूरत नहीं। सब बढ़िया है, यहाँ से पूजा पाठ हो गई हमारी, अब इसके बाद नीचे में एक है शिवलिंग जहाँ पे हम लोग अधिकतर बार जाते हैं, वहाँ भी जाना है, और यहाँ से पूरा रांची दिख जाता है, काफ़ी ज़्यादा ही ऊँचाई पे है ना इसी की वजह से, और बस यहाँ पे अभी जाना है हमको। अधिकतर बार जब भी आते हैं ना यहाँ पर जाते ही हैं, इस बार भी जाएंगे। ये पत्थर थोड़ा सा लगता है खतरनाक, लेकिन है नहीं कुछ। अब यहाँ पे थोड़ा सा शिवलिंग का जहाँ पर जल उठाना है, अधिकतर बार हम लोग यहाँ पे आते हैं, और ये जो ऊपर पत्थर है ना, ये भी शिवलिंग का ही आकार का है। यहाँ पर पूजा पाठ कर लिया जाए पहले, वहाँ पर देखिए हमारी गाड़ी लगी हुई है जहाँ कार ये सब दिख रहा है। कुछ यहाँ पर मिल गए थे बच्चे लोग, इन लोगों को खाना है प्रसादी, ये पकड़ो, वो लोग उन लोग को दे दिए, सबको बनाए वो लोग, वीडियो में नहीं दिए उन लोग को हम, वो हीरो खुश, जय जय कर लो, जय शंकर भगवान, जय। लोगों को पानी भी यहाँ पर मिल गया, प्यास लगा था कब का। चलो अच्छा है, इन लोगों को पता नहीं किसका, तुमने पानी रखा था कि रखा था? ओ तभी तो, चलो बढ़िया है, तो नीचे चलना है नहीं। नहीं मारे हैं, गोद चढ़ने नहीं बोल रहे, आप कौन का पहले पानी नहीं पी लीजिए ना, तो देखिए टाइम कितना हो गया, 11:30 बजने वाला है, आवाज बहुत है, तुरंत पहना है, नहीं किया है गुदू। देखो का कला भी तुम्हारे लिए, क्या लाए हैं? कुछ बोतल देख के जाते हैं, ये देखो। ओ मेरे लिए नाइल पानी लेके आए, थैंक यू। एक और केला है। क्या? केला। ओ हाँ, सिर्फ आम और सेब था, केला नहीं था। बस दो ही चीज लाए हैं, अरे प्रसाद सुरा दिए तो उनको कर लेना।
तो आ जाइए आप सभी प्रसाद खाने के लिए हमारी प्यारी YouTube फैमिली। पहले हमको आशीर्वाद दे दीजिए। अच्छा से फिर देखना, चोट लगे तो हाँ, पर इसे किसे लग गया चोट? पत्थर में लग गया। बहुत भीड़ था क्या? भीड़ में था तो लग गया। तो रखिए पहले पानी पी लीजिए। क्या हो रहा है? रुको, आम खा रहा है। आम का लग गया। अब काटिए दिए तो क्या कीजिएगा? अब मुझे किया से लगा पीछे पीछे चल गए। हमके चलो खा गई और खा ला दिए तो खा लेगा। और अभी देखिए हम किचन में बना रहे हैं सब्जी। आलू फ्राई कर रहे थे। देखिए अभी बनाने वाले हैं आलू सोया बड़ी की सब्जी। अब बाय बड़े दोनों के लिए बनाना पड़ेगा खाना ना। और इधर हम कुछ मसाला निकाल के रख लिए हैं। दूसरी तरफ पतिदेव जी मेरे लिए आम कट करके रखे हैं कि पहले आप आम खा लो उसके बाद खाना बनाना। तो मैंने इनसे कहा थोड़ा टाइम लगेगा, रुक जाइए। पर ये जिद करते हैं कि जब मेरा खाना बन रहा है तो तुम पहले खा लो इसके बाद ही। क्या हो रहा अभी? सास ने बाहर क्यों निकाल दी? देखिए क्या हाल हो रहा है। सारा पानी से पी गया, देखो चूरा है पानी। पानी चूरा है? हाँ, देखो पूरा नमी। देखो कुछ अभी जो है कपड़े डाले हुए हैं गाड़ी पर, जो कि अंदर में ये भी सब रखा हुआ था। दो साहब आके यहाँ पढ़ाई करना शुरू कर दिए। और उसमें क्या करोगे अब? तो अब डायरी में पढ़ेगा। पूरा बैग अब यहाँ पर निकाल के फेंके हैं बाहर में। ये भकड़ गया बैग। एक एक करके ना सारा सामान हम लोग निकाल रहे हैं और सब जो है सूखने के लिए डाल रहे हैं। ये तो बर्बाद हो, कोई फायदा है अब? तो कोई फायदा नहीं, छू के हम क्या करेंगे इसको बताओ? क्या करेंगे अब? तो ये अपने कपड़े देख कर ना बड़ी पछतावा कर रहे हैं। एक एक करके ना सारा सामान तैयार रख रहे हैं। अब कोई फायदा है नहीं, जो होना था हो गया। क्या है? कुछ नहीं, साड़ी का डिजाइन नहीं है, पहन नहीं। पेटीकोट रही है। फटफट से निकालो ना यार, इतना लेट क्यों कर रहे हो? धूप चला जाएगा ना तो फिर पता है कल पानी गिर जाए तो क्या जानता है। कोट का हाल देखे अपना? मेरा कोट बर्बाद हो गया। अरे यार जा, बच गया ना। बाबू लोग का भी कोट इसी में था। अभी का एक किलो कोट लग रहा है। और पानी अगर घुस जाता तो 2 किलो हो जाता। बच गया नहीं, अब वो हल्का नमी है, डाल दे रहे धूप में हल्का सा। क्या आ गया ना? ड्राइवर सब करा के रखा हुआ है। कोट बड़ा रे बड़ा महंगा, दोबारा ना सिलाएगा। दोबारा नहीं सिलाएगा, इसलिए देख लीजिए ये वाइट शर्ट मुझे बहुत पसंद है। तुरंत गंदा हो जाता है लेकिन। ये लुक किसी का यही रहता है तो अब क्या करें? झोला सब धोना होगा तब ना जी। अलग प्लास्टिक में डाल देंगे, धुआं धूप में रहने दे। नहीं धूप रहे थोड़ा, हल्का रहने दे धूप में ना। देखिए हल्का सा लग जाएगा तो बढ़िया है। और देखिए हम खरीदे थे 4-4 पीस, जिसमें 2 पीस 4 पीस तो रहने दिए ही हो ना, इसमें 2 पीस किया मुझे टूट गया था और एक अभी रखे हैं। बाकी कोई गेस्ट लोग आएंगे देने वाने के लिए, लेकिन ये झोला में रहता है निकाले नहीं पाते हैं, रह जाता है। और भी है, ये तो सिर्फ ऊपर से निकाले हैं, ऊपर ले एक और झोला रह गया है, नीचे 5-6 झोला है। ये है खाली कपड़ा से पूरा भरा है। कुछ लोग हमको बोलते हैं दीदी आप ट्रंक ले लो बक्सा। तो बस आप सबका इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। आप सब प्लीज आप से हाथ जोड़ के विनती करते हैं ना, आप सब बिना बेवजह का कमेंट करना बंद कर दीजिए। रही बात हमारे घर को लेकर, पापा का घर है और पापा लोग इस वर्ष काम नहीं लगा सकते हैं क्योंकि उनके यहाँ ऐसा हुआ था। हो सकता है कुछ रीजन होगा, पंडित जी दिखा कर लगवाएंगे वो अलग बात है, और ये उनका घर तो हम लोग अपना मन से कैसे लगा सकते हैं। तो कुछ लोग बहुत तरह के बोल रहे हैं, रूबी से तुम रहने आई हो, तुमने मम्मी का मायका का घर तुम अच्छे से नहीं सेफ रख रही हो। तो मेरा ही दिल जानता है कि मैं कैसे सेफ रख रही हूँ, क्या नहीं रख रही हूँ। वैसे खैर आप लोग को जो दिखाया जाएगा आप लोग वही देखोगे। ये मैं टी शर्ट भी गया और कैसे रखे थे रूबी? तो अच्छे से रखे थे। ये वाला ड्रेस मेरा हल्का सा भींग गया, तो धूप डाल देते हैं। नाना बोलिए है ना, सब लाइए और सब डाल देते हैं। ये रहा गाउन,
एक्सेल इतना बड़ा नीचे तो ड्राइवर करता है, आपको तेल बनता है ना, तो हमको बड़ा ही अच्छा लगता है। ये तब का लहंगा है, जब पहली बार शादी करके हम आए थे घर में तो भैया लोग आए थे राखी बंधन पे गए थे हम वहाँ, तो हमको ये वाला लहंगा मिला था। मतलब लहंगा थोड़े है, मतलब ये वाला गाउन मिला था पहनने के लिए, मतलब ये बहुत अच्छा था ये, मतलब होता ही नहीं है। अब इतना मोटे हो गए तो क्या होगा, नहीं हल्का सा ये वाला टाइट होता है। क्या है मेरा मजाक बनाया जा रहे हैं आप एक एक करके। अब जितना सामान निकालने में कितना मजा आया ना, वैसे लिए मोड़ने में बहुत मुस्ताजा लगेगा। धूप भी भगवान जी आ रहे हैं जा रहे हैं, पसीना भी काफ़ी ज़्यादा है, ऊपर से मेरा फास्टिंग है तो शरीर बैकअप नहीं देता है। सारे कपड़े ना अब जाकर सूखे हैं, इतना कड़ा धूप था, आदमी खड़ा था तो एकदम पसीना टर टर चल रहा था। अगर आज नहीं निकालते तो कल तक कला फंगस लग जाता। हम बोले ना उसको बढ़िया से पैक होता है ना, हाँ तो रख दो फिर। क्या कहिएगा, भी एक काम है जो कि नहीं करने बाद सारा सामान बर्बाद हो जाएगा, रखल रखल और सारा महंगा महंगा सब समझिए इसमें सामान है, सब नया नया सब रखा हुआ था, हम लोग यूज नहीं कर रहे थे लेकिन आज भगवान जी खुद ही यूज कर लिए। क्या है था। अच्छा मेरे लिए, हम लोग नहीं गए थे, मैं तो वहाँ से भेज दिए थे हमने के लिए। ये सब सारे ही लग देते हैं, कभी काम आ ही जाएगा। मदद कर देते हैं इनको, सास माँ उठा उठा कर, अरे बाप रे पता नहीं कहाँ का भर दिया मुझे, बहुत गर्म हो गया, बहुत वजन हो गया यार। हाँ हमने बोला था ना, समझते नहीं बात से, कहते हैं कि रुबी आप इतना नहीं उठा सकते हैं। तो ठीक है चलो बाबा, सामान कहाँ रखेंगे, पहले ब्लैक वाला को ऊपर रखी वहाँ। अच्छा उसी पे हाँ। खोल दिया पलटाएगा ना, गोल पर चढ़ा दिया ना, दी गोल पर के चढ़ा दिया बाबू। बेटा आप सुनते नहीं है बेटा, नहीं जितना जगह है सही में रखेगा, कभी ऊपर रख कोई फायदा नहीं, ऊपर रख फिर दोबारा सीढ़ जाएगा। नीचे भी रख देते हैं जब सूखेगा। पैसे रखेंगे कि नहीं, आप थोड़ा साथ ही कर दो, रुको इसको इधर सचा देंगे योला को।